तो भाइयों, ये है इन्फिनिक्स की तरफ से एक स्मार्टफोन जिसको मैं अपना डेली लाइफ में 5-6 महीने से यूज कर रहा हूँ, और मुझे ये पता चल चुका है कि एक्चुअली इन्फिनिक्स का फोन कितना दिन तक चलेगा, यानी कितना दिन तक लास्टिंग करने वाला है। मुझे एक भाई ने कमेंट किया है कि एक्चुअली इन्फिनिक्स का फोन कितना दिन लास्टिंग करता है, तो आज इस वीडियो में यही बताऊंगा। साथ में अगर आप दूसरा अदर कोई ब्रांड का स्मार्टफोन खरीदने के बारे में सोच रहे हो, चाहे इन्फिनिक्स हो, टेक्नो हो, ओप्पो, वीवो, सैमसंग, मोटरोला, शाओमी, रियलमी, किसी भी कंपनी का हो, उस कंपनी का फोन कितना दिन लास्टिंग करेगा वो आप कैसे चेक करोगे, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। आप अपना लाइफ में भी इसको चेक कर सकते हैं, और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि किसी भी स्मार्टफोन खरीदने से पहले क्या क्या चीज आपको चेक करना चाहिए, जो देखने के बाद आप पता कर पाओगे कि हाँ ये फोन आपको लॉन्ग लास्टिंग मतलब बैकअप देने वाला है, मतलब 2-4-5 साल चलने वाला है। तो सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए प्रैक्टिकली इन्फिनिक्स के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, और साथ ही साथ हर मोबाइल के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए इन्फिनिक्स का ये जो फोन है ना, ये है भाई इन्फिनिक्स नोट 11S, जिसमें मैं अपना डेली लाइफ में हर काम करता हूँ, जैसे कि ये वीडियो शूट हो रहा है इसी मोबाइल से। साथ ही साथ दोस्तों गेम वगैरह खेलता हूँ, फ्री फायर वगैरह, वो भी मैं इसी मोबाइल से खेलता हूँ। साथ में मैं गेमिंग चैनल में लाइव स्ट्रीम भी करता हूँ, अगर आप वो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप सब्सक्राइब कर लेना। तो वहां पर लाइव स्ट्रीम भी मैं इसी मतलब इन्फिनिक्स का फोन से करता हूँ, और साथ ही साथ जो वीडियो एडिटिंग होता है वो भी मैं कभी कभी इन्फिनिक्स का फोन मतलब इसी फोन में मैं करता हूँ। मतलब मेरा डेली लाइफ में जो भी काम पड़ता है वो मैं इसी फोन से करता हूँ। तो फिलहाल मुझे ये तो पता चल चुका है कि गाइस मैं अपना डेली लाइफ में जितना भी मतलब जरूरी चीज होता है फोन के लिए वो सब कुछ इस फोन में कर सकता हूँ। मतलब इन्फिनिक्स का फोन अगर आप परचेस करते हो तो आप जितना भी काम करना चाहते हो अपना स्मार्टफोन में वो सारे आप काम कर सकते हैं। लेकिन 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 कुछ चीज आपको ध्यान देना चाहिए, कुछ चीज आपको चेक करना चाहिए, तभी जाके आप सब काम कर पाएंगे, नहीं तो फिर नहीं कर पाएंगे, चाहे वो इन्फिनिक्स का हो या फिर टेक्नो का हो या फिर दूसरा कोई अदर ब्रांड का। तो ये क्या चीज है, कैसे हम लोग चेक करेंगे, चलिए वो भी जान लेते हैं। देखिए ये जो स्मार्टफोन है मैंने जब परचेस किया है इन्फिनिक्स नोट 11S, तो सबसे पहले मैंने क्या देखा, इस फोन का प्राइस कितना है, पहला पॉइंट, इस फोन का प्राइस कितना है, मतलब किस प्राइस में ये फोन हमें मिल रहा है। तो ये चीज आपको सबसे पहले चेक करना पड़ेगा। अभी नॉर्मली 11-12 हजार में मिलता है, तो 11-12 हजार में इस फोन में क्या कुछ फीचर्स मिल रहा है, तो ये सेकंड चीज आपको जो है यहां पर चेक करना चाहिए। अब दोस्तों बात आता है कि भाई इन्फिनिक्स का फोन कितना दिन तक लास्टिंग करेगा, कितना दिन तक चलेगा, ये हम लोग कैसे चेक करें, तो चलिए वो भी बता देता हूं। आप किसी भी ब्रांड का स्मार्टफोन परचेस करो, चाहे वो टेक्नो का हो, रियलमी का हो, रेडमी का हो या फिर इन्फिनिक्स का, आप कुछ बेसिक चीज है उसको ध्यान में रखना, वो देख के आप परचेस करना, तब आपका मोबाइल लॉन्ग लास्टिंग करने वाला है। जैसे कि मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूं, मैंने इन्फिनिक्स नोट 11S को परचेस किया है कुछ बेसिक चीज को ध्यान में रख के, और वो देखने के बाद ये मुझे अभी फील हो रहा है, 6-7 महीना अभी हो गया खरीदने के बाद, तो मुझे अभी फील हो रहा है कि नहीं ये मोबाइल 4 साल 6 साल 7 साल तक चलने वाला है। क्यों चलने वाला है, मैं यहां पर गेम खेलूंगा, तो गेम के लिए मुझे क्या चाहिए, मीडियाटेक हेलियो G96 का एक गेमिंग चिपसेट यहां पर दिया गया है। तो अगर आप गेम खेलते हो तो आप पावरफुल गेमिंग चिपसेट ढूंढो ताकि लॉन्ग लास्टिंग आपको काफी अच्छा बैकअप दे, तो ये पहला चीज हो गया। अब आपको अगर कैमरा अच्छा चाहिए तो आप देखो भाई कौन सा मोबाइल का कैमरा सेंसर काफी अच्छा है, ठीक है, वो चीज आप ध्यान रखना। साथ ही साथ बैटरी बैकअप देख लेना, क्योंकि लॉन्ग लास्टिंग के लिए बैटरी बहुत जरूरी होता है, तो 5000 से ज्यादा होगा तो ज्यादा बेहतर होगा। और सिर्फ और सिर्फ बैटरी नहीं, साथ ही साथ फर्स्ट चार्जिंग भी होना चाहिए, क्योंकि नया नया टेक्नोलॉजी अभी अपग्रेड हो रहा है, तो फर्स्ट चार्जिंग होगा तो आपका लाइफ थोड़ा सा इजी हो जाएगा, आप जल्दी मोबाइल को फर्स्ट चार्ज कर सकते हैं, तो यह भी चीज आप ध्यान में रखना। साथ ही साथ आप बिल्ड क्वालिटी भी थोड़ा सा चेक कर लेना, गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन वगैरह है, साथ ही साथ ये भी चेक कर सकते कि आईपी वाटर प्रोटेक्शन जो दिया जाता है, वाटर रेसिस्टेंट वो दिया गया है या फिर नहीं। साथ में आप ये भी चेक कर सकते कि डिस्प्ले का जो क्वालिटी है वो कैसा है, मतलब ओवरऑल वो फीचर्स देख लेना। मैं जैसे कि यहां पर इन्फिनिक्स नोट 11S में मतलब चेक किया है, उसके बाद मैंने इसको परचेस किया है। अगर आप इन्फिनिक्स का परचेस कर रहे हो तो आप देख लेना वहां पर फीचर्स मार्केट में सबसे बेस्ट मिलना चाहिए। अगर बेस्ट मिल रहा है तो इन्फिनिक्स का फोन आप बेझिझक 2-4-5 साल तक भी यूज कर सकते हैं। बट और एक चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, आपका मोबाइल हाथ से नीचे ना गिर जाए, ये चीज आप ध्यान में रखना। और साथ ही साथ मोबाइल का बैटरी फुल चार्ज होता है तो भाई चार्ज से मोबाइल को खोल लेना, ऐसा नहीं भाई लगा के रख दिया, ऐसा होता है तो मोबाइल का बैटरी में थोड़ा सा असर पड़ता है। और साथ ही साथ आप मोबाइल को पानी में मत गिरने देना, अगर पानी में गिर गया तो फिर भाई वो मतलब दिक्कत हो सकता है। तो ये कुछ बेसिक सा चीज है, छोटा छोटा चीज, अगर आप इसको ध्यान में रखते हैं मोबाइल लेने के बाद तो आपका मोबाइल, मैं आपको 100% मतलब कहता हूं, चाहे वो इन्फिनिक्स का हो, टेक्नो का हो या फिर दूसरा कोई ब्रांड का, आप 2-4-5-6-7 साल तक
यूज कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आपका ये क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा कि इन्फिनिक्स का फोन कितना दिन तक लास्टिंग करता है। अगर आपका मन में कुछ सवाल है, कुछ पूछना चाहते हो, तो आप मुझे कॉमेंट कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर सकते हो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि ऐसा इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको इसी चैनल पर सबसे पहले मिलता है, इसलिए सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, टेक केयर।